सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय रिकैप में। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक हाई स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे एक जो न्यू कमर स्टूडेंट्स होते हैं वो एडमिशन लेता है और कहता है मैं कौन से क्लब को ज्वाइन करूँ इस स्कूल में। तो वो सोचता है कि चलो लिटरेचर क्लब को ज्वाइन करना चाहिए, पर वो आगे जाके देखते हैं तो एक उसको एक मैजिक क्लब दिखता है, पर वो कहता है मुझे इसको देखना चाहिए या नहीं, जिसमें वो उस लड़की को देख रहा होता है जो कि एक मैजिक कर रही होती है। तभी वो अंदर घुस जाता है और कहता है ये मैजिक है, ये क्या कर रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उस लड़की को कहता है तुमसे अगर बुरा ना लगे तो मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ, पर वो लड़की शर्मा जाती है और पीछे जाके बैठ जाती है। तो वो कहता है तुम क्या कर रही थी, तो कहते हैं कुछ भी नहीं, बस वो पूरी लाल पड़ जाती है। तो फिर वो पूछता है कि अच्छा तुम ठीक हो ना, तो कहती है हाँ हाँ मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। और फिर वो अपने पीछे जाके देखने लगती है कि न्यू कमर लोगों के लिए मैजिक कौन सा अच्छा लगेगा। तभी वो कहते हैं कि अरे चलो फिर करते हैं अब न्यू मैजिक, जिसमें वो पीछे जाके उस मैजिक को ढूंढने लगते हो, कहते तुम कर क्या रही हो। तभी हमें एक छोटा सा कबूतर दिखाया जाता है जो कि उसकी टोपी में से निकल के उड़ जाता है और वो देख लेता है, पर वो कुछ बोलता नहीं है। जिसमें वो लड़की जो होती है वो कहती है चलो मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाती हूँ, पर वो कहते हैं कि मुझे तो पहले से पता है, क्योंकि उस लड़के को पहले पता है कि वो कबूतर उड़ चुका है। तब भी वो लड़की कहते हैं अरे दोस्त बाहर आओ ना, तुम बाहर क्यों नहीं आते। फिर वो एक और न्यू मैजिक करने के लिए आते हैं जिसमें एक पेपर को पकड़ के खड़ी हुई होती है और वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे 1000 रुपये दे सकती हो, पर वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें कोई 1000 रुपये नहीं दूंगा। वो ज़बरदस्ती उससे 1000 रुपये ले लेती है। तभी वो कहते हैं कि अब मैं देखो इसको फाड़ दूंगी, पर तुम्हारे 1000 रुपये नहीं फटेंगे। वो कहता है संभल के, जिसमें वो कैची से उस जो स्लिप होती है उसको काट देती है बीच में। वो कहता है तुमने मेरे 1000 रुपये क्या किया, तुमने मेरे पैसे ख़त्म कर दिए। तभी वो अपना पर्स खोलती है और कहती है लो ये रहे तुम्हारे 1000 रुपये, जिसमें वो लड़का कहता है चलो ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे नहीं देखना तुम्हारा मैजिक। पर वो कहती है कह रहे नहीं नहीं मैं तो लोगों के बिना भी मैजिक कर लूँगी, तुम तो जाओ यहाँ से, तुमसे कुछ होगा ही नहीं। जिसमें फिर जो वो लड़का होता है वो भी कहने लगता है कि नहीं नहीं मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, जिसमें वो लड़की बहुत ज़्यादा ही शर्मा जाती है। जिसमें वो लड़का रुक जाता है और वो कहता है कि चल दिखाओ कोई मैजिक। तभी वो लड़की एक रोप में बंध जाती है जिसमें वो उसका मैजिक देख रहा होता है, कहता है ये गलती हो गई मेरे से। वो लड़की कहती है मेरे से गलती हो गई। तभी वो लड़का कहता है कि अरे वाह वाह तुम्हारा बहुत अच्छा मैजिक था। फिर वो स्कूल से बाहर निकल जाता है और फिर वो अपने घर जा रहा होता है। तभी वो लड़की ना वहाँ पे ना लोगों के पैसे काट रही होती है और वो लड़का उसको देख लेता है। तभी वो कहती है कि असिस्टेंट तुम कैसे हो, तुम मेरे पास आओ। वो कहता है असिस्टेंट, और वो वहाँ से भाग जाता है, कहता है मैं नहीं आ रहा तुम्हारे पास। तभी वो लड़की उसको पकड़ लेते हुए और वो लड़का कहते हैं कि अरे ये तो बहुत तेज़ भागती है। जिसमें लड़की कहती है कि असिस्टेंट तुम कोई जादू दिखाओ, पर उस लड़के को कोई भी जादू नहीं आता है। वो कहते हैं मैं जादू दिखाऊं पर क्या, मैं क्या करूं। जिसमें वो अपना स्कूल आइडेंटिटी कार्ड निकाल लेता है और उसको गायब करने की कोशिश करता है, जिसमें वो लड़की उसके पीछे से आके कहती है कि तुमने ट्रिक कहाँ से सीखी। पर लड़का कहता है कि तुम्हारा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, कहती है अभी थोड़ा और वक्त लगे। तब वो एक और ट्रिक यूज़ करने लगता है, उस पेन को गायब कर देता है थोड़ी देर के लिए, नॉर्मल थी। तो वो कहता है कि सभी लोग उसकी तारीफ थोड़ी थोड़ी करने लगते हैं। तभी उस लड़की का मैजिक शुरू हो जाता है और वो कहती है कि चलो गाइस मैं आपको एक मैजिक दिखाती हूँ, पर वो लड़की बिल्कुल ही लाल पड़ गई थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उसके अंदर उस बॉक्स के अंदर जाने लगती है। फिर हम आगे दिखाया जाता है कि वो उस ट्रम के अंदर चली जाती है और वो उसको कहती है कि तुम ऊपर से ढक देना, लेकिन काफ़ी टाइम फिर बीत जाता है और वो कहता है कि अरे ये बाहर क्यों नहीं आ रहे, जिसमें 10 मिनट बीत जाते हैं। फिर वो उन लोगों से कहते हैं कि अरे मैजिक ख़त्म हो चुका है, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हो, जिसमें उसको आगे ले जाता है। और तभी कहती है कि अरे तुम्हें पता चल गया कि मैं प्रॉब्लम में थी। तभी हमें यहाँ पे हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो भी अपने क्लासरूम में बैठा होता है। तभी वो एक अनाउंसमेंट सुनता है, जिसमें वो उस अनाउंसमेंट को सुनता है कि वो कहती है कि असिस्टेंट तुम कहाँ हो, जिसमें सभी लोग कहते हैं असिस्टेंट कौन है। फिर वो उस लड़की के पास चला जाता है और कहता है कि अगली बार ऐसा मत करना, जिसमें कहती है कि तुम बड़ी जल्दी आ गए, चलो आ जाओ ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया तुम टेस्ट करो। जिसमें उस लड़के को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये तुमने बनाई है, उसने कहा इसमें तुमने जहर जूर मिलाया होगा, जिसमें वो कहता है कि तुम पहले इसको खाओ फिर मैं खाऊंगा। जिसमें जो वो लड़की होती है वो कहती है चलो मैं ही खा लेती हूँ, जिसमें वो खा लेती है थोड़ा सा, जिसमें वो लड़का भी कहता है अरे ठीक है अब मैं भी इसको खा सकता हूँ।
तभी हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के के मुंह में एक चाबी चली जाती है। वो कहता है ये क्या है, तुमने ये क्या किया, जिसमें वो लड़का फिर बैठा हुआ खा रहा होता है और वो लड़की उसी ड्रम के अंदर घुस जाती है। फिर जो लड़का होता है वो काफ़ी देर तक देखता है और वो बाहर नहीं आती है, तो उसको तोड़ देता है। फिर अगले सीन में भी दिखाया जाता है कि वो खाना खा रहा होता है और कहती है अब मेरी अगली ट्रिक देखो, और इस ये ट्रिक बहुत ही औसम होने वाले क्योंकि मेरे हाथ से है, जिसमें वो कहती है कि इससे मैं अपना अंगूठा अलग करूँगी, जिसमें वो जो लड़का होता है उसके मुंह में कुछ अटक जाता है वो जैसे ही उस ट्रिक का नाम सुनता है। और फिर वो कहती है अरे तुम पानी नहीं तुम दूध पियो, जिसमें वो पानी मांग रहा होता है। पर वो तभी देखता है कि वो लड़की उसको पानी नहीं दे रही होती, कहती है नहीं 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 रुक जाओ, जिसमें वो जो वो पूरा दूध होता है उनके हाथ में वो पूरा नीचे गिर जाता है उस लड़की के ऊपर। और वो लड़की सच में बहुत औसम लग रही थी जैसे कि देख रहा है आपको। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है अरे असिस्टेंट रुको, अब मैं एक और नई चीज़ लेकर आई हूँ, जिसमें वो एक केस को उसके सामने रख देती है, जिसमें वो उस असिस्टेंट वो पूछती है इसमें क्या हो सकता है, जिसमें वो असिस्टेंट गैस कर लेता है कि इसमें कबूतर है, जिसमें वो लड़की बताती है कि मैं अपनी पिछली गलती को सुधारना चाहती हूँ इसलिए इस बारे मैं ये केस लेकर आई हूँ। और यहीं पर ही गाइस हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है। Love the chat.